दोबारा स्वागत है आपका आपके ही आज का ताजा ज्ञान चैनल में भारत और विश्व की जानकारियों के साथ। आज हम 3 मई को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे और 3 मई 2020 को होने वाले कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंसेस को जानेंगे। तो चलिए बिना और इंतजार किए हुए आगे बढ़ते हैं। 1971 में आज की डेट में पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूरोप का घोषित किया गया था सीजम ऑफ पॉलिश लिथुआन कॉमनवेल्थ के द्वारा। 3 मई 1802 वॉशिंगटन डीसी को एक शहर के रूप में शामिल किया गया था जब कांग्रेस ने बोर्ड ऑफ कमीशंस जिले के संस्थापक सरकार को समाप्त कर दिया। वॉशिंगटन शहर को सरकार का मेयर परिषद रूप दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 3 मई 1947 जापानी युद्ध जो हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, उसके खत्म हो जाने के बाद जापान में पहला जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जापानी संविधान जो था वो लागू हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। 3 मई 1952 केंटकी डर्बी को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सीबीएस नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। अभी हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि सीबीएस नेटवर्क है क्या। सीबीएस एक अमेरिकी अंग्रेजी भाषा का व्यावसायिक प्रसारण टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क है जो वायाकॉम सीबीएस के सीबीएस एंटरटेनमेंट ग्रुप डिवीजन का प्रमुख संपत्ति है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1999 एक काफी बड़ा तूफान ओक्लाहोमा सिटी पे आया था जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। इसमें कम से कम 1 अरब की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया था। जो चक्रवात था उसकी जो स्पीड थी वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इसने काफी तबाही मचाई थी उस टाइम पर। इसका नाम था F5 टोनारो या फिर हम कह सकते हैं F5 बवंडर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 2016 88,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था उनके घरों से फोर्ट मैकमरी अल्बर्टा कनाडा में, क्योंकि उस सिटी को उस टाइम पे एक वाइल्ड फायर ने ग्रिप कर लिया था। 88,000 पीपल, इतने लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था वहां से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1718 जस्सा सिंह अलूवालिया, इनका जन्म हुआ था अलहू करके एक गांव था लाहौर डिस्ट्रिक्ट में जो कि आज के दिन में पाकिस्तान में है। और इन्होंने काफी मुस्लिम राजाओं जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया था उनको नाकों चने चबवाए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1896 वी के कृष्णन मेनन नाम के एक महान राष्ट्रवादी वकील, स्वतंत्रता सेनानी, बैरिस्टर और राज्यसभा के सदस्य थे ये, इनका जन्म हुआ था इस दिन पे। नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1913 राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली मूवी जो थी हमारे देश की वो उस दिन रिलीज हुई थी। किनके द्वारा? धुंधी राज गोविंद फाल्के, जिनको हम दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक मूवी रिलीज की थी। फिल्म का हिंदी और अंग्रेजी में शीर्षक था और 3 मई 1913 को बॉम्बे में कोरोनेशन सिनेमाग्राफ में रिलीज किया गया था इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1939 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था इस दिन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के रूप में फिर स्थापित हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1947 इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की आज कांग्रेस के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। उमा भारती के बारे में हम सब जानते हैं, ये बीजेपी की एक लीडर है
और इनका जन्म 3 मई 1959 को हुआ था ढुंडा नामक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तिकमगढ़ में है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1969, डॉक्टर जाकिर हुसैन का इस दिन देहांत हुआ था। ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे देश के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1971, धनंजय रामचंद्र गडगिल, इनका देहांत हो गया था। इनके बारे में जरा जान लेते हैं। धनंजय रामचंद्र गडगिल एक भारतीय अर्थशास्त्री, संस्था निर्माता और भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। वो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे के संस्थापक, निदेशक और गाडगिल फॉर्मूला के लेखक थे। अब गाडगिल फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ये डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना फंड हर 5 साल में या फिर हर 5 ईयर प्लान में एलोकेट करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1998, कुशाभाऊ ठाकरे नए भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 3 मई 1999, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के पुरुषों और दक्षिण रेलवे की महिलाओं ने पठानमथिट्टा में 21वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल का खिताब जीता था। नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। अब आज के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में हम जान लें। 3 मई 2020, चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जो है माइक पोम्पियो, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति चीन के वुहान के एक प्रयोगशाला में हुई है। अमेरिका के पास भरपूर सबूत है इस बारे में कि चाइना ने इन बातों को छुपा कर रखा और विश्व को नहीं बताया सही समय पर कि ऐसी कोई बीमारी पनप रही है और फैल रही है, और पूरे विश्व के सभी देशों को इसके लिए इंतजाम करके रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो बेल ग्रांट हुआ है संजीव चावला को, उसे चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि संजीव चावला देश में वापस लाने में उन्हें 20 साल लग गए। ठीक है, तो कौन है संजीव चावला? संजीव चावला मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। 2000 में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी क्रिकेट मैच में, जिसमें साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रोनिया इन्वॉल्व थे और भी कुछ इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो इस चीज में इन्वॉल्व थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है जो कि आज पाकिस्तान में है, जिन्हें पकड़ लिया गया था और उन पर ये इल्जाम लगाया गया था पाकिस्तान के द्वारा कि वो इंटेलिजेंस एजेंट हैं इंडिया के और खुफिया खबर इंडिया को पास करते हैं। इंडिया ने ये क्लेम किया है कि ये गलत है, वो इसकी निंदा करते हैं और बहुत बार कुलभूषण जाधव को रिटर्न करने की बात कही गई है इंडिया ने पाकिस्तान को, मगर पाकिस्तान ने इस बात को खारिज किया है। इसीलिए इंडिया अभी ICJ मूव कर रहा है। अब ICJ क्या है? ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। कोरोना वायरस महामारी जैसे दौर में मजदूर जब अलग अलग क्षेत्र में फंसे हुए हैं, तो उनके लोकल स्टेट जो हैं वो उनको वापस लाने में मदद करना चाहते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में आए हैं और इसके लिए कुछ ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, जिनको नाम दिया गया है श्रमिक ट्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। पाकिस्तान ने मंजकोट के बालाकोट में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए 5 लोगों में से मेजर आशुतोष शर्मा, 2 जवान और एक पुलिस उप निरीक्षक मारे गए। भीड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में लश्कर प्रमुख था। 2015 से कश्मीर में सक्रिय था लश्कर ए तैयबा प्रमुख, जिसे हैदर के रूप में पहचाना जाता है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK का निवासी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने रविवार को COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों
सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और देश भर के अस्पतालों पर फूल और पंखुड़ियों की बौछार की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स में ये पता चला है कि वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, इसीलिए सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर को कम्प्लीटली सील कर दिया गया है ताकि इसके बारे में पता लगाया जा सके और जो भी वहाँ पे कोरोना वायरस से ग्रसित हुए हैं उनको सही जगह पे ले जाया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका सहयोग बना रहे तो मैं प्रतिदिन इस तरह आपके लिए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, आज का ताज़ा ज्ञान चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन जो साथ में बना हुआ है उसे दबाना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन।